हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया मैं भी यहां पर मौज में बच्चों आज हम करने वाले हैं आरटीपी सितंबर 24 ट्वेंटी फोर के लिए एफएमएसएम तो मेनली एफएम के क्वेश्चन थे और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था केस सिनेरियो ये इन्होंने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा पूरा इस तरीके से घुमा के रखा मेन यही क्वेश्चन है इसके अलावा पूरी आर आसान है तो आप लोग इस क्वेश्चन के बाद में बाकी आर टी पी खुद से भी देख सकते हैं आराम से ये इजीली खत्म हो जाएगी वो मेन ये क्वेश्चन है क्वेश्चन देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन है यहां से यहां तक इन्होंने कहानी बताई है कि रौनक साहब एक डॉक्टर हैं और वो होटल खोलना चाहते हैं गोवा में फिर यहाँ पर इन्होंने गोवा के बारे में कुछ बातें बताई यहाँ तक का को कोई काम नहीं। यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन मिस्टर रोनक ऑल दो बींग डॉक्टर प्रोफेशन इज क्वान प्लेटिंग टू एस्टेब्लिश फाइव स्टार होटल एट गोवा होटल विल कंसिस्ट ऑफ फाइव फ्लोर द होटल विल इंक्लूड फोर्टी नॉर्मल रूम एट डिलक स्वीट एज वेल एज रेस्टोरेंट्स कॉन्फ्रेंस रूम वेडिंग हॉल एटसेट्रा फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड ऑक्यूपेंसी रेट इंक्लूडिंग फेयर कंपोजिशन इन टेबल वन बींग फाइव स्टार होटल ब्रेकफास्ट वोडी कॉम्प्लीमेंट्री बट लंच एंड डिनर ऑन अलाकारे बेसिस अलाकारे यानी आप वो जो ऑर्डर करेंगे उसका बिल बनेगा होटल अकोमोडेशन एस्टिमेटेड ऑक्यूपेंसी रेट एंड फेयर तो अकोमोडेशन के बारे में बताया है नॉर्मल रूम चालीस हैं साल में 120 दिन बुक होंगे डिलक्स आठ रूम हैं 120 दिन बुक होंगे कॉन्फ्रेंस और वेडिंग हॉल दो हैं 40 दिन बुक होंगे रेस्टोरेंट पूरे साल बुक रहेगा इनका यहाँ पर एवरेज पर डे का कलेक्शन बताया है पर रूम का और फिर ग्रोथ दी और ग्रोथ के आगे बोला है कि ये जो ग्रोथ रेट अप्लाई होगा ये दस साल के बाद होगा तो हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ कि पहले दस साल तक जो कलेक्शन होगा वो क्या रहेगा और दस साल के बाद क्या रहेगा यहीं पर हम निकाल लेते हैं एक रूम आठ हजार रुपये और एक सौ बीस दिन आठ हजार रुपये चालीस रूम ये मेरे पास कलेक्शन आ गया तीन करोड़ चौरासी लाख रुपए ठीक है जी इसके बाद बारह परसेंट इसमें ग्रोथ आ जाएगी ये यहाँ पर हो जाएगा चार करोड़ तीस लाख आठ हजार रुपये ओके okay. इसके बाद में 120 रूम 120 दिन आठ रूम 25000 हजार का कलेक्शन 120 दिन आठ रूम 25000 हजार का कलेक्शन ये कलेक्शन आ गया दो करोड़ चालीस लाख ये नाइन परसेंट पड़ जाएगा ये हो जाएगा टू करोड़ सिक्सटी वन लैख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है इसके बाद में चालीस दिन दो हॉल वगैरह हैं जो भी ये, तीन है तीन लाख का कलेक्शन है ये भी दो करोड़ चालीस लाख नौ परसेंट पड़ेगा टू सिक्सटी थाउजेंड इसके बाद में सत्ताईस का डेली कलेक्शन होगा और क्वेश्चन ने लास्ट में है तीन सौ साठ दिन के बेसिस पर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना, करना है तो थ्री सिक्सटी से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर सत्ताईस हजार इंटू थ्री सिक्सटी ये आ गया नाइनटी सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड और इसमें ग्रोथ होगी एट परसेंट टेन फोर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड ठीक है जी तो यहाँ पर मैं इनको जोड़ रहा हूँ थ्री एटी फोर प्लस टू फोर्टी प्लस टू फोर्टी प्लस नाइन्टी सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ये कलेक्शन आ गया नाइन करोड़ सिक्सटी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड और इस ये एक साल से दस साल तक रहेगा और ग्यारह से पंद्रह साल तक पंद्रह साल का क्वेश्चन है यहाँ पर आ जाएगा फोर्टी थ्री डबल जीरो एट थाउजेंड प्लस ट्वेंटी सिक्स सिक्सटीन ज़ीरो 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 प्लस ट्वेंटी सिक्स सिक्सटीन जीरो 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 प्लस वन जीरो आ गया टेन ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड ओके ये दोनों इनके यहाँ पर कलेक्शन आ गए साथ के साथ सॉल्यूशन हमने सामने रखा हुआ है सॉल्यूशन में शुरू में इनका कलेक्शन आ गया नाइनटी नाइन करोड़ सिक्सटी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ये आ गया नाइन करोड़ सिक्सटी वन ट्वेंटी थाउजेंड ये एक साल से दस साल तक है तो यहां पर एक से पांच हुई है छह से दस हुई कलेक्शन फिर टेन फिफ्टी एट ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड का कलेक्शन आ गया ये रिवेन्यू हो गया पहले आगे चलते रहेंगे एक एक चीज निकालते रहेंगे कलेक्शन आ गया आगे बढ़ते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ लैंड टू फिफ्टी मिलियन एंड द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वन हंड्रेड मिलियन एक मिलियन में दस लाख रुपए होते हैं तो टू फिफ्टी मिलियन मल्टीप्लाई वे दस लाख ये पच्चीस करोड़ और ये दस करोड़ रुपए हो जाएगा ठीक है जी द एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर ट्वेंटी फाइव परसेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो जो लैंड ली है उसका तो कुछ आपका नहीं मिलेगा जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थी हंड्रेड मिलियन उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी ट्वेंटी फाइव मिलियन आपको मिल जाएगा तो ढाई करोड़ रुपए आपको लास्ट में रिसीव हो जाएंगे तो यहां पर मैं साइड में इन्वेस्टमेंट लिखता जाता हूँ अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन पच्चीस करोड़ और दूसरा दस करोड़ ये आपका टी जीरो पर हो रहा है और जो सेलवेज है ये आपको टी फिफ्टीन पर मिलेगी सेलवेज टू पॉइंट फाइव करोड़ ये एंड में आपके पास कलेक्शन आ जाएगा ठीक है इसके बाद में कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ फर्नीचर विल बी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड फोर ईच नॉर्मल रोल रूम थ्री एट्टी फोर ईच डिल्स रूम द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर फॉर कॉन्फ्रेंस रूम विद वेडिंग हॉल विल बी सेवन लैक ईच एंड फॉर रेस्टोरेंट इट विल बी इन एडिशन ठीक है ये फर्नीचर का इनका खर्चा होने वाला है तो वन लेख फिफ्टी थाउजेंड नॉर्मल रूम का है नॉर्मल रूम है चालीस चालीस रूम एक लाख पचास हजार ये हो गए आपके साठ लाख रुपए साठ लाख रुपए आपका फर्नीचर नॉर्मल रूम साठ लाख रुपए इसके बाद में आपके पास डिलक्स स्वीट का फर्नीचर लग रहा है तीन लाख अस्सी हजार मल्टीप्लाई बाई आठ रूम है तीस लाख चालीस हजार तीस लाख चालीस हजार आपका ये लग गया ये हो गया डिलक्स रूम ओके इसके बाद में कह रहे हैं जो कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह हैं उनका सेवन लैख ईच और रेस्टोरेंट के फिर टेन लैख तो सेवन लैख ईच है दो रूम हैं आपके पास फोर्टीन लैख आ गया इनका और दस लाख रुपये आ गया रेस्टोरेंट का ये आपका फर्नीचर का खर्चा लगेगा टी पर ठीक है जी आगे कह रहे हैं इन एडिशन होटल विल रिक्वायर फोर एलिवेटर्स एलिवेटर्स जो ऑटोमेटिक हैं उनकी बात ऑटोमेटिकोकेशन तो लाख की एक है फोर, एक करोड़ चालीस लाखी लैक हो गया आगे कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लाइक टीवी थर्टी फाइव मिलियन थ्री फिफ्टी लैग थ्री फिफ्टी लैख का आपका ये वगैरह आगे कह रहे हैं तो एलिवेटेड सात लाख का डेप्रीशिएशन लगेगा इन पर सेवन लैक पर एनम डेप इसके बारे में बता दिया ओके इसके बाद में कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस विल अ सेलविट वैल्यू ऑफ फिफ्टीन परसेंट इट्स कॉस्ट ऑफ एक्जेशन एट दी एंड ऑफ फिफ्टीन ईयर तो सैलवेज वैल्यू पंद्रह परसेंट आपको मिलेगी पंद्रह साल के बाद तो so, ये जो टी वी वगैरह हैं इनकी सैलवेज आपको मिल जाएगी फिफ्टीन ईयर पर और थ्री फिफ्टी का फिफ्टीन परसेंट फिफ्टी टू पॉइंट फाइव लैक आपको लास्ट में इसकी सैलवेज मिल जाएगी एलिवेटर्स की सैलवेज के बारे में कुछ भी नहीं बताया अब डेप्रीशन की अगर बात करें तो क्वेश्चन ने यहाँ पर पूरी कहानी बता दी आगे 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 यहां पर क्वेश्चन ने बोला है जो डेप्रीशियेशन है वो फर्नीचर जो रेस्टोरेंट में लगेगा और कॉन्फ्रेंस और वेडिंग हॉल में लगेगा उस पर नहीं लगाना तो हमारे पास जो डेप्रीशियेशन है वो इनके फर्नीचर पर नहीं आएगा नो no डेप्रीशियशन क्वेश्चन ने मना कर दिया है ठीक है अब हमारे पास डेप्रीशियेशन की अगर टीवी सेट और अप्लायंस की बात करें तो थ्री फिफ्टी लैख माइनस फिफ्टी टू पॉइंट फाइव लैख लास्ट में मिलेंगे पंद्रह साल की लाइफ है फिफ्टीन ईयरस तो थ्री फिफ्टी माइनस फिफ्टी टू पॉइंट फाइव डिवाइड बाई फिफ्टीन ईयर नाइनटीन लेख एटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री का डेप्रीशिएशन इस पर पर एनम लग जाएगा ये इसका डेप्रिशिएशन आ गया टीवी सेट का डेप्रीशियेसन हो गया एलिवेटर्स पर सेवन लैख पर एनम का डेप्रीशिएशन है ठीक है इन पर कोई डेप्रीशियशन नहीं लगाना अब जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड है इसके बारे में और जो फर्नीचर है आपका उसके बारे में हमें देखना है आ जाएंगे

तो जो हमारी बिल्डिंग है वो तो पूरे पंद्रह साल तक चलेगी जो फर्नीचर है वो दस साल बाद बदला जाएगा दस साल के बाद पुराना बेच दिया जाएगा और नया हमें खरीदना होगा द ओनर ऑफ द होटल एस्टिमेट दैट दैट ही वुड बी एबल टू परचेज द रिक्वायर्ड फर्नीचर एट फिफ्टीन परसेंट हायर प्राइस देन द प्रीवियस परचेज प्राइस सेल विद वैल्यू ऑफ फर्नीचर एट द एंड ऑफ देंथ ईयर विल बी फाइव परसेंट ऑफ देयर परचेज प्राइस ऑन विद नो बुक वैल्यू रिमेनिंग पांच परसेंट जो आपका जितने में खरीदा था उतने पर आपकी सेल्वेज बिकेगी दसवें साल पर और नया फर्नीचर पंद्रह परसेंट महंगा आपको मिलने वाला है तो पहले फर्नीचर की बात करता हूं मैं ये जो फर्नीचर है ये पांच परसेंट पे बिकेगा फाइव परसेंट फोर लेख फिफ्टी टू थाउजेंड टी टेन पर सैलवेज आपको मिल जाएगी ठीक है जो नया फर्नीचर है वो पंद्रह परसेंट महंगा मिलेगा सिक्सटी लेख थर्टी पॉइंट फोर लैख प्लस फिफ्टीन परसेंट महंगा हो गया तो वन करोड़ थ्री लैख नाइनटी सिक्स थाउजेंड में न्यू फर्नीचर आपको मिलेगा न्यू फर्नीचर ठीक है जो फर्नीचर की लाइफ है उसकी बात करेंगे भी। अब हमारे पास आ जाता है इसके आगे फर्नीचर एंड रेस्टोरेंट कॉन्फ्रेंस एंड वेडिंग हॉल विल नॉट रिक्वायर एनी मेजर चेंजेज एज सच एक्सपेक्ट फॉर माइनर रिनोवेशन विच विल कॉस्ट ट्वेंटी लैक इन टोटल एट दी एंड ऑफ ईयर ट्वेल्व स्क्रैप जनरेटेड ऑन अकाउंट ऑफ सच रिनोवेशन विल बी सोल्ड एट वन सेवेंटी फाइव तो जो हमारा बाकी फर्नीचर है जो आपके कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह में उसमें बीस लाख रुपए बारहवें साल पे खर्च होंगे एक पिछहत्तर में पुराना बिक जाएगा तो बीस लाख रुपये खर्च होंगे एक पिछहत्तर में पुराना बिक जाएगा यानी कि ये जो फर्नीचर है यहाँ पर ट्वेल्थ ईयर में लाख माइनस आपके पैसे खर्च होंगे आपके पर खर्च हो जाएगा ईयर में तो इस तरीके से खूब सारी कहानियां बना रखी हैं अब हमारे पास आगे क्वेश्चन कह रहे हैं इसके बाद इन ऑर्डर टू बूस्ट द टूरिज्म इंडस्ट्री एट गोवा द स्टेट गवर्नमेंट विल ग्रांटिंग सब्सिडी ऑफ फिफ्टीन परसेंट इनिशियल

तो तीन साल के जितने भी ऑपरेशन होंगे उसके दस परसेंट सब्सिडी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में बट इट विल बी क्रेडिट डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट ओनली एट द एंड ऑफ दिफ्त ईयर तो ये जो दस परसेंट वाली सब्सिडी है पांचवें साल में हमें मिलेगी तो पहले साल दूसरे साल तीसरे साल के जितने भी खर्चे होंगे उनकी इकट्ठी टेन परसेंट सब्सिडी पांचवे साल हमारे अकाउंट में आ जाएगी ठीक है एंड द सेल एंड द सेम सेल नॉट बी टैक्सेबल ये टैक्सेबल नहीं होगी यानी टैक्स फ्री है तो ये हमेशा टैक्स फ्री आती है टोटल एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसिडी वन करोड़ एटी लैख हर साल का रिकरिंग एक्सपेंस एक करोड़ अस्सी लाख होगा इसमें सैलरी वगैरह यह सब चीजें आ जाएंगी आफ्टर द एंड ऑफ टेन ईयर रिकरिंग एक्सपेंस विल इंक्रीज एट टेन परसेंट विच इज बी अप्लाइड वन तो एक करोड़ अस्सी लाख का खर्चा है दस परसेंट बढ़कर ये वन नाइनटी एट लैख का हो जाएगा वन करोड़ नाइन्टी एट लैख का गया होंगे तो एक करोड़ अस्सी लाख ये पांच लाख होंगे द होटल प्रोजेक्ट विल बी एंटाइटल टू इंजॉय टैक्स हॉलीडे फॉर फर्स्ट फाइव ईयर टैक्स हॉलीडे का मतलब होता है पहले पांच साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं है तो पांच साल तक आपको आ, कोई इनकम टैक्स नहीं देना उसके बाद आपको इनकम टैक्स देना है पच्चीस के रेट से द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द कंपनी 12% परसेंट एंड एस्टिमेटेड हर्डल रेट हर्डल रेट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं तो डिस्काउंटिंग के लिए हर्डल रेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कोई लेना देना नहीं है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल ऑफ द प्रपोज होटल इट फिक्स डेट फिफ्टीन परसेंट तो डिस्काउंट रेट हमें 15% लेकर चलना है यहाँ पर इसके बाद में इसके एम हैं. तो एक दो तो अभी हमें फर्नीचर का खर्चा निकालना है जो जेप्रीशिएशन बचा हुआ है कुछ चीजों का उसके अलावा मैं आपको रिकरिंग एक्सपेंस पर एनम कितने होंगे वो बता देता हूं देखिए पहले साल से लेकर पांचवें साल तक फिर छठे साल से लेकर दसवें साल तक और फिर ग्यारहवें साल से लेकर पंद्रवे साल तक तीन लेवल पर आपको बनाना पड़ेगा उसका रीजन पहले पांच साल कोई इनकम टैक्स नहीं है और पहले दस साल के खर्चे और दस साल के बाद के खर्चों में फर्क है तो हमें कॉमन ईयर ले सकते हैं तो पहले से पांचवें साल तक टैक्स नहीं है बाकी सब कुछ सेम रहेगा चलेगा फिर छठे से दस साल तक सब कुछ सेम रहेगा लेकिन टैक्स है तो उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा फिर ग्यारहवें साल से खर्चों में और रिवेन्यू में दोनों में ग्रोथ आ रही है तो उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको कि कितने होंगे तो एक्सपेंसिज में एक तो रिकरिंग करोड़ एटी लैक का वो यहां पर रहेगा यहां पर भी वन एटी लैख रहेगा यहां पर वन नाइनटी एट लैक हो जाएगा इसके अलावा पांच लाख रुपए का सैलरी का खर्चा यहां भी रहेगा यहां भी रहेगा यहां भी रहेगा उसमें कोई ग्रोथ नहीं बताई इसके बाद में हमारा डेप्रिशिएशन और कलेक्शन पहले मैं कलेक्शन लिखता हूं यहां पर कलेक्शन नाइन सिक्सटी वन ट्वेंटी थाउजेंड कलेक्शन नाइन सिक्सटी वन नाइन करोड़ सिक्सटी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड यहाँ पर रहेगा नाइन करोड़ सिक्सटी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर यह बढ़कर हो जाएगा टेन करोड़ फिफ्टी एट ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड टेन फिफ्टी एट ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड टेन फिफ्टी एट ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड ठीक है जी अब इसमें बचा हमारे पास डेप्रीशियशन का खर्चा वो देखते हैं एक बार हमारे पास में यहाँ पर जो लैंड है उस पर कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन दस करोड़ में हुआ था टू पॉइंट फाइव करोड़ में लास्ट में ये बिकेगा तो इसी के ऊपर डेप्रीशियेशन लगेगा ये हमारे पास हो गया सेवन पॉइंट फाइव करोड़ टेन करोड़ माइनस टू पॉइंट फाइव करोड़ पंद्रह साल की लाइफ है फिफ्टीन ईयर क्वस टू साढ़े सात करोड़ डिवाइड फिफ्टीन डिवाइडी पचास लाख पर एन एम का डेप इसका हो गया ये पंद्रह साल तक चलता रहेगा इसके बाद में हमारे पास फर्नीचर सिक्सटी और नाइनटी पॉइंट फोर का है सिक्सटी प्लस नाइनटी पॉइंट फोर माइनस फोर लैख फिफ्टी टू थाउजेंड है बिकेगा फोर लैख फिफ्टी टू थाउजेंड दस साल की लाइफ और ये दस साल का आपका नाइन्टी पॉइंट फोर माइनस फोर पॉइंट फाइव टू और दस साल की लाइफ ये हो गया एट लैक थाउजेंड एट हंड्रेड ये एक साल से लेकर दसवें साल तक चलेगा इसके बाद में हमारे पास यहां पर नया फर्नीचर आ जाएगा इसकी कोई सेल्वेज नहीं बताई लाइफ कुछ नहीं बोली तो ये मानेंगे पहला दस साल चला है तो ये भी अगले दस साल चलेगा तो इसकी कोई सेल्वेज नहीं है सीधे डिवाइड बाई टेन करेंगे तो हमारे पास इसका डेप्रीशियेशन आ जाएगा वन जीरो थ्री नाइन सिक्स डबल जीरो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ कमियां हैं वो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा डेप्रीशियेसन इलेवन ईयर से लेकर फिफ्टींथ ईयर तक ठीक है जी अब हमारे पास सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनिशियल आउटफ्लो कितना हुआ ये इन्वेस्टमेंट फर्नीचर ये सारी चीजें मैंने लिख दी है इसका अगर मैं टोटल कर दूं तो मेरे पास इनिशियल आउटफ्लो आ जाना चाहिए ट्वेंटी फाइव करोड़ टेन करोड़ और टेन करोड़ के बाद में इसको मैं नेक्स्ट में कर लेता हूं ट्वेंटी फाइव करोड प्लस टेन करोड़ प्लस सिक्सटी लैख प्लस ट्वेंटी फाइव करोड टेन करोड़ सिक्सटी लैख थर्टी लैख फोर्टी थाउजेंड फोर्टीन लैख टेन लैख वन फोर्टी लैख 140 lakhs, और जी तीन करोड़ पचास लाख थ्री फिफ्टी लैक्स ये आ गया जी फोर करोड़ फोर्टी वन करोड़ जीरो फोर फोर जीरो 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 ठीक है ये इनका इन्वेस्टमेंट हो गया क्वेश्चन ने कहा था कि गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे देगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट की सब्सिडी आपकी आ गई स्टार्टिंग में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पर तो हमारे पास यहां पर पंद्रह परसेंट की आ गई सब्सिडी माइनस ये हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट अब क्वेश्चन क्या क्या चीजें पूछ रहा है, पहले वन वन वो देखते है फिर और इतने में कैश इनफ्लो में डेप्रीशियन लिख देता हूं सबका लैंड का डेप्रीशियशन है पचास लाख पर एनम लैंड का डेप्रीशियेसन पचास लाख पर एनम डेप्थ बिल्डिंग लैंड पर कोई डेप्रीशियेशन नहीं होता बिल्डिंग पर आ गया पचास लाख पचास लाख पचास लाख इसके बाद में फर्नीचर फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशियशन है एट फिफ्टी एट एट हंड्रेड एट फिफ्टी एट एट हंड्रेड एट फिफ्टी एट एट हंड्रेड और जी यहाँ पर इसका डेप्रीशन बदल कर हो गया ग्यारहवें साल से दस लाख उनतालीस हजार छः सौ दस लाख उनतालीस हजार छः सौ ठीक है इसके बाद में डेप्रीशन है एलिवेटेड के ऊपर सात लाख रुपए पर एनम इन दोनों पर कोई डेप नहीं है ये आ गया जी एलिवेटर पर एवेटर सेवन लैख सेवन लेख सेवन लेक. और जी आपके पास बच्चा कहता है सर क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा ये क्वेश्चन ना एक घंटे में भी नहीं होने वाला बच्चों से तो ऐसा कई सिनेरियो नहीं आता आर में प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है और सिर्फ एक यही सिनेरियो बेड क्वेश्चन है जो इन्होंने इतना बड़ा घुमा कर दिया उसके अलावा नहीं है और इसमें कुछ कमियां भी हैं वो लास्ट में डिस्कस करूंगा पहले इन्होंने जैसे आंसर करा है वो बता रहा हूँ फिर जो कमियां है वो बताऊंगा क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन बनाने में कुछ ना कुछ तो आईसीआई से कमियां छूटेंगी छूटेंगी इसके बाद में जी डेप्रीशिएशन सात लाख आ गया टीवी सेट वगैरह का डेप्रीशिएशन है नाइनटीन एटी थ्री ट्रिपल थ्री 1983 1983 ये 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 इनके आ गए का गया 1983, 333. 1983, 333. ये मैंने यहाँ तक का लिख लिया ये कलेक्शन ये एक्सपेंसिज यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर टैक्स आएगा जिसमें पहले पांच साल में कोई टैक्स नहीं जाएगा उसके आगे पच्चीस परसेंट फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मैं जोड़ूंगा डेप्रीशिएशन और मेरे पास आ जाएगा सी एफ ए टी उसके बाद में मेरा एनपीवी इस क्वेश्चन क्वेश्चन का निकलेगा ठीक है जी तो की रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द प्लीज आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यू द अमाउंट ऑफ नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नेट इन्वेस्टमेंट कितना होगा अगर सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछता तो मैं बोलता बोलता जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा फोर्टी वन करोड़ नेट पूछा है तो थर्टी फोर करोड़ एटी एट लेख सेवेंटी फोर थाउजेंड मेरे पास आ गया तो ये आ गया जी थर्टी फोर एटी एट ये मेरे पास पहला आंसर इसका हो गया तो जी पहले का आंसर इसका फर्स्ट थर्टी फोर पॉइंट एट एट सेवन यहाँ पर इन्होंने लैंड फर्नीचर ये सब पहुँचते दी एलिवेटर वगैरह सब कुछ लास्ट में फिफ्टीन परसेंट माइनस कर दिया ये इनके पास निकल आया ठीक है जी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर टू एन पी वी ऑफ द प्रोजेक्ट अब भैया एन पी वी निकालना है ठीक है एन पी वी के लिए मेरे पास में यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये मैंने यहां पर कलेक्शन लिख दिया है ये मैंने यहाँ पर एक्सपेंसिव लिख दिए पहले साल का निकाल के दिखा रहा हूं दूसरे वालों के कॉपी कर लेंगे फाइव लैख माइनस फिफ्टी लैख माइनस एट लेख फिफ्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस सेवन लैख माइनस नाइनटीन पूरा ही डिलीट हो गया मेरा नाइन सिक्सटी वन ट्वेंटी थाउजेंड माइनस वन एटी लैख माइनस फाइव लेख फिफ्टी लैख एट फिफ्टी एट एट हंड्रेड माइनस सेवन लैख माइनस नाइनटीन एटी थ्री ट्रिपल थ्री सिक्स नाइन जीरो समथिंग और यहाँ पर ये मेरे पास आ गया ये सब माइनस करके सिक्स नाइन जीरो सेवन सेवन एट सिक्स सेवन ठीक है जी सेम तो 69077867, 69077867, और और पर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर में फर्क हो गया था टू सिक्स ठीक है अब इसके बाद में पहले पांच साल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जीरो टैक्स उसके बाद में पच्चीस पच्चीस परसेंट जो भी टैक्स दिया वो आ गया फिर डेप्रीशिएशन ऐड कर दिया फिर कैश इनफ्लो हमारे पास आ गया भाई कैश इनफ्लो यहाँ यहाँ पर इतना इतना है मैं इस कैश इनफ्लो को लिख रहा हूँ सेवन करोड़ सेवेंटी सिक्स ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स जीरो थ्री फाइव जीरो फाइव डबल थ्री सिक्स सिक्स थ्री टू फोर नाइन डबल थ्री ठीक है यहां पर अब हमें निकालना है एनपीवी स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी के अंदर अब जरा देखिए मेरे पास ये आ गए यहां पर आ गया पर्टिकुल आपने जैसे भी सीखा हो अपने यहां पर वैसे कर लीजिएगा ये एक डेढ़ घंटे का क्वेश्चन है इंटर के बच्चे के हिसाब से एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता ये फाइनल के लेवल का क्वेश्चन है फाइनल में भी इतने बड़े क्वेश्चन नहीं होते अमाउंट डिस्काउंटिंग फैक्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बारह थी वो ले लिया हमने और यहां पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा ठीक है अब यहां पर सबसे पहले टी जीरो पर नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपका गया था वो आ जाएगा net initial investment हमारे पास था ठीक है जी। ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया सारा आउटफ्लो पहले एक साथ लिख रहा हूं मैं तो इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर वन थर्टी फोर एटी एट सेवन थाउजेंड इसके बाद में हमारे पास में T1 पर T2 पर T3 पर T4 पर ऐसे कोई खर्चा नहीं हुआ फिर हमारे पास जो पैसे खर्च हुए हैं वो खर्चे कहाँ कहाँ हुए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके बाद हमारी जेब से पैसा निकला है फर्नीचर का टेन एक करोड़ तीन लाख छियानवे हजार और ये निकला है दसवें साल के एंड में यानी ग्यारहवें साल के स्टार्टिंग में तो ये हमारे पास आ जाएगा 103, 96, 103, 96, 103, 96, ये आप ये आपका आ जाएगा ईयर पर हमने फर्नीचर चेंज किया था टी टेन इसके बाद में हमारे पास हमने ये पैसा ले लिया ये पैसा हमारे पास आ गया आउटफ्लो आउटफ्लो ले रहे हैं अभी सिर्फ इसके बाद में हमारे पास अट्ठारह लाख पच्चीस हजार रुपए ट्वेल्थ ईयर के एंड में चाहिए थे जो फर्नीचर हमारा वेडिंग हॉल वगैरह का था तो अट्ठारह लाख पच्चीस हजार रुपए आपके पास ये भी आ गए अठारह लाख पच्चीस हजार रुपये ये आ गए ये ट्वेल्थ ईयर पर फिर से फर्नीचर वेडिंग हॉल वगैरह का ठीक है तो हमारे पास शुरू में पहले इन्वेस्टमेंट हो गया सारा तो बिल्डिंग में कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं था फर्नीचर में एक करोड़ का इन्वेस्टमेंट था दसें साल पर वो ले लिया एलिवेटेड पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था जो अदर फर्नीचर था उस पर अठारह लाख पच्चीस हजार जाने थे बोले लिया टीवी वगैरह पे बाद में कोई हमारे पास आउटफ्लो नहीं था तो अब इन सबको बारह परसेंट से डिस्काउंट करके यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी टीवी ऑफ आउटफ्लो क्या आउटफ्लो आखिर कितना हुआ इसके बाद में हमें चाहिए इनफ्लो तो इनफ्लो हमारे पास एक से पांचवें साल तक छह से सात दसवें साल तक और ग्यारह से पंद्रह साल तक सी आ जाएगा जो हमारे पास निकाला था सी एफ ए टी सी एफ ए टी सी एफ ए टी ठीक है जी सी एफ ए टी हमारे पास था सेवन सेवन सिक्स टू जीरो 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 और सेवन सेवन सिक्स टू नहीं उसके बाद है टैक्स लग गया था सिक्स जीरो थ्री फाइव जीरो फाइव डबल थ्री और छ करोड़ सिक्स ठीक है तो हो गए ठीक है और इसके बाद में सिक्स सिक्स थ्री टू फोर नाइन डबल थ्री तो यहां पर एक से पाँचवें साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर यहां छः से दस यहां ग्यारह से पंद्रहवें साल का आ जाएगा इसके बाद हमारे पास कुछ पैसा और आया है वो देखिए क्या क्या है हमारे पास ढाई करोड़ रुपए आ जाएंगे बिल्डिंग के पंद्रहवें साल पर और पंद्रहवें साल पर एक हमारे पास आ जाएगा फिफ्टी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड सैंडविच ठीक है जी पंद्रहवें साल पर हमारे पास बिल्डिंग के ढाई करोड़ रुपए आ गए और जी पंद्रहवें साल पर ही हमारे पास जो टीवी सेट वगैरह थे उनके पैसे आ गए फिफ्टी टू लेख फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है जी ये आ गया हमारे पास साल पर ढाई करोड़ रुपए ले लिया हमने और जी चार लाख बावन हजार रुपए हमारे पास आएंगे दसवें साल पर फर्नीचर के दसवें साल पर फर्नीचर के चार लाख बावन हजार रुपए आ गए ओके पंद्रह साल पर आ गए ढाई करोड़ रुपये चार लाख बावन हजार रुपये यहाँ पर आ गए एक करोड़ ये चले गए इसके आने की कोई बात नहीं और बारहवें साल पे खर्च होना था आउटफ्लो में गया एलिवेटेड का खत्म टीवी के फिफ्टी टू लेख फिफ्टी थाउजेंड हमारे पास आ गए ये हमारे पास इन्फ्लो है इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा था कि आपको एक सब्सिडी मिलेगी वो सब्सिडी मिलेगी एनुअल एक्सपेंडिचर पर तो क्वेश्चन ने कहा था जो भी आपका एनुअल एक्सपेंडिचर होगा दस परसेंट उस पर

वन करोड़ एटी फाइव लैख सब्सिडी वन करोड़ एटी फाइव लैख पर दस परसेंट तीन साल की सब्सिडी ये हमारे पास हो गई फाइव फाइव फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड ये फिफ्थ ईयर पर आपको मिल है ये हमारे पास कैश इनफ्लो आ गए इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर पंद्रहवें साल का इसका पंद्रवें साल का इसका दसवें साल का इसका पांचवें साल का, का, का. यह हमारे पास हो जाएगी टी ऑफ इनफ्लो अब पीवी ऑफ इनफ्लो फ्लो और आउटफ्लो को नेट करेंगे तो एनपीवी कर आ जाएगा अरे देखते हैं एक बार फिर गलतियां बताऊंगा ठीक है जी ये हमारे पास यहां पर आ गया सी एफ ए टी इस सी एफ ए टी में पहले साल से पांचवें साल छठे साल से आपके पास में दसवें साल तक और ग्यारह से पंद्रह तक का डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने सब ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर ऐड किया ये इनकी पीवी ऑफ इनफ्लो निकला है यहां पर इसके अलावा जो गवर्नमेंट की सब्सिडी मिली थी फिफ्टी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड की उसका पाँचवें साल का डिस्काउंटिंग रेट जो एनुअल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास यहाँ पर आ गए ठीक है इसका कोई लेन देन नहीं एनुअल रिवेन्यू एक्सपेंसिज नहीं है ये ये सेलवेज है गलत लिखा हुआ है सेलवेज जो आपको मिलेगी तो दसवें साल पर फोर की सेलवेज मिल गई उसका डिस्काउंटिंग वैल्यू पंद्रवें साल पर बिल्डिंग की ढाई करोड़ रुपये मिली है और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की आपको मिली थी थ्री जीरो टू फाइव माइनस फिफ्टी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ये आपको सब्सिडी ये दोनों एक साथ जोड़कर पंद्रह साल पर इन्होंने यहां पर निकाल दी और पीवी ऑफ इनफ्लो निकाल लिया पीवी ऑफ आउटफ्लो पहले से हमारे पास था ये इनफ्लो हो गया पीवी ऑफ आउटफ्लो हमारे पास निकला था थर्टी फोर करोड़ एटी दोनों को नेट करिए आपका एनपीवी निकल कर आ जाएगा इनके पास आ गया इनफ्लो का पीवी आउटफ्लो का पीवी कंपेयर करा सेवन पॉइंट जीरो का एन पी बी निकल जाएगा इस तरह से सोल्व करने पर तो ये हमारे पास इसका एनपीवी निकल कर आ जाएगा जैसे इन्होंने किया है पहले मैं बता रहा हूँ सेवन पॉइंट जीरो फाइव थ्री टू सी आर आ जाएगा यही आंसर आएगा अब गलतियां क्या क्या, क्या करी है पहले मैं वो आपको गलतियां बता देता हूँ क्या क्या चीजें इनसे छूट गई गलती नहीं बोलेंगे बड़े क्वेश्चन में चीजें छूट जाती हैं इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया है फैलावा करके तो उसमें कुछ चीजें आपसे छूटेंगी तो क्या क्या गड़बड़ हुई जो बच्चों को मिली भी होगी अब देखिए क्या क्या गड़बड़ हुई वो मैं आपको बताने वाला हूं गड़बड़ सबसे पहली ये हुई कि इन्होंने जो बिल्डिंग थी दस करोड़ रुपए लगाए ढाई करोड़ में बिक गई उसके बारे में तो बताया पच्चीस करोड़ की लैंड का क्या हुआ वो लैंड भी तो बिकी होगी तो लैंड की सेल के बारे में कुछ नहीं बताया एक एक करके पॉइंट बताता जा रहा हूं सेल ऑफ लैंड एट एंड ये इसमें मिसिंग है सेल ऑफ लैंड भी होना चाहिए दूसरा इसके बाद में हम आ जाते हैं फर्नीचर हमारे पास हमने दस साल बाद बदला था फिर नया फर्नीचर लिया तो नए हम तो पंद्रह साल का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस फर्नीचर का फिफ्टीन ईयर पर सैलवेज या तो आप दीजिए या फिर दसवें बीसवे साल की सैलवेज दीजिए हम बीस साल वाली सैलवेज ले, ले लेंगे बीस साल का डिस्काउंट रेट ले लेंगे तो न्यू फर्नीचर की सैलवेज और लाइफ गिवन नहीं है न्यू फर्नीचर की सेल्वेज एंड लाइफ ये दोनों चीजें मिसिंग है तो लाइफ तो दस साल मान ली पर उसकी सेल्वेज को हमें इनफ्लो में लेना चाहिए था वो क्वेश्चन के अंदर मिसिंग है उसको स्किप कर दिया है या आंसर में दोनों चीजें इनकी मिसिंग है इसके बाद में क्वेश्चन के अंदर इसके ऊपर टैप ही नहीं लिया कोई बात नहीं इस पर डैप नहीं है तो कहानी खत्म हो गई कोई इशू नहीं है अब हमारे पास ट्वेल्थ ईयर पर आपने इसके पैसे लगाए थे बीस लाख रुपए माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव लेकिन इसका सेल्वेज कितना मिलेगा वो आपने नहीं बताया तो जो हमारे पास वेडिंग हॉल और कॉन्फ्रेंस रूम का फर्नीचर था वेडिंग हॉल फर्नीचर इसकी सेल्वेज आपने फिफ्टींथ ईयर पर नहीं बताई वो भी मिसिंग है ओके इसके बाद में अगला पॉइंट आता है एलिवेटर्स

तो फिर हमारे पास ये लॉस हो गया लॉस पर हमारा कैपिटल गेन होना चाहिए था तो लॉस के ऊपर कोई कैपिटल गेन की बात इन्होंने नहीं की इसको डिस्कस ही नहीं करा ना ही इसकी डब्ल्यू डीवी सेलवेज बताई गई है तो इसकी सेल्वेज इसका कैपिटल गेन लॉस कुछ सब कुछ गायब है तो जो हमारी एलिवेटर्स हैं एलिवेटर्स की सेलवेज मिसिंग है और अगर सेल्वेज होती तो फिर उसका जो भी कैपिटल गेन या लॉस था वो आना चाहिए था कैपिटल गेन और लॉस वो मिसिंग कर दिया पूरे क्वेश्चन में गए हुए सब कुछ ठीक है तो ये क्वेश्चन अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, दूरा है। इसके बाद में हमारे पास टीवी में कोई दिक्कत नहीं है सब्सिडी हम टेन परसेंट रिवेन्यू एक्सपेंसिज पे देंगे तो सब्सिडी ऑफ टेन परसेंट ऑन एनुअल रिवेन्यू एक्सपेंसिज दे दिया डेप्रीशिएशन रिवेन्यू एक्सपेंस का पार्ट माना जाता है या तो इन्हें यहां पर लिखना चाहिए था एनुअल कैश रिवेन्यू एक्सपेंसिव रिवेन्यू एक्सपेंसिव इन कैश एक्सक्लूडिंग तो वो इन्होंने यहां पर कोई भी बात नहीं कही पर चलो फिर भी इसको कंसीडर कर सकते हैं पर इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए थी सब्सिडी एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन मेंशन होना चाहिए था डेप्रीशिएशन मेंशन होना चाहिए था तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर गड़बड़े का कुछ नहीं बताया नई फर्नीचर की और लाइफ नहीं बताई दस साल लेके क्वेश्चन कर दिया और उसकी सैलवेज का पता ही नहीं है वेडिंग हॉल का पंद्रह साल पे कितने बिकेगा कोई सैलवेज नहीं बताया एलिवेटर्स के ऊपर कोई कैपिटल गेन लॉस या उसकी जो सैलवेज है वो गायब है इसके अलावा सब्सिडी में डेप्रीशिएशन एक्सक्लूड करके लेना ही मैंशन होना चाहिए था इस तरीके से क्वेश्चन ड्राफ्ट होना चाहिए था इस क्वेश्चन के अंदर ये गलतियां रही हैं तो ये हमारे पास दो एमसीक्यू हो गए अब तीसरा पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज तो अब हम पे बैक पीरियड निकालने बाकी की चीजें ठीक है पे बैक पीरियड के अंदर हमारे पास हमारे पास जो कैश फ्लो आ रहा है वो आ रहा है पहले पांच साल सेवन सेवन सिक्स ट्वेंटी थाउजेंड तो नॉर्मल पे बैक पीरियड पूछा है डिस्काउंटेड पे बैक नहीं लिखा ठीक है हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है यहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आ, नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही लेंगे सब्सिडी माइनस करके नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास थर्टी फोर एटी एट सेवेंटी फोर थाउजेंड ठीक है थर्टी फोर करोड़ और हमारा कलेक्शन है सेवन करोड़ सेवेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन करोड़ सेवेंटी सिक्स ट्वेंटी थाउजेंड ये हमारा कैश फ्लो हो गया इसमें हमें चाहिए क्यूमुलेटिव कैश फ्लो सेवन सेवेंटी ट्वेंटी थाउजेंड आ गया यही चलता रहेगा दो तीन चार पाँचवें साल में आपको सेवन सेवेंटी सिक्स ट्वेंटी थाउजेंड तो मिलेगा ही प्लस सब्सिडी मिल जाएगी जो दस परसेंट सब्सिडी दी थी वन एटी फाइव इंटू टेन परसेंट मल्टीप्लाई बाई थ्री सब्सिडी आई थी फिफ्टी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड की वो सब्सिडी भी मिल जाएगी तो यहाँ पर सेवन सेवन सिक्स टू थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई टू इक्व टू वन फिफ्टी फाइव ट्वेंटी फोर थाउजेंड और टू थर्टी टू एटी सिक्स थाउजेंड और थ्री वन जीरो फोर एट जीरो जीरो तीन जीरो है और इसके बाद में सेवन सेवन सिक्स टू जीरो जीरो प्लस फिफ्टी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड ये आ गया थ्री नाइन थ्री सिक्स फिफ्टी थाउजेंड हमारा पैसा लगा है थर्टी फोर तो थर्टी वन करोड़ और थर्टी नाइन करोड़ के बीच में ये पैसा हमारा आ जाएगा पे बैक पीरियड तो वन टू थ्री फोर फोर और फिफ्थ ईयर के बीच में पे बैक आ जाएगा तो पे बैक अगर निकालें तो फोर ईयर प्लस डेफिशियंसी कितनी है थर्टी फोर एट्टी एट सेवेंटी फोर थाउजेंड हमें चाहिए माइनस थर्टी वन जीरो फोर एट जीरो 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 थर्टी वन करोड़ हमें मिल गए हैं और इस ईयर में हमारी कमाई है सेवन सेवन सिक्स ट्वेंटी थाउजेंड प्लस सब्सिडी फिफ्टी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड एट करोड़ थर्टी वन थाउजेंड का हमारा एनुअल कलेक्शन है फिफ्थ ईयर का तो डेफिशियं थ्री फोर एट एट सेवेंटी फोर थाउजेंड माइनस थ्री वन जीरो फोर्टी एट थाउजेंड डिवाइडेड बाई एट थ्री वन थाउजेंड ये पॉइंट फोर सिक्स आ गया तो फोर पॉइंट फोर सिक्स वन सिक्स हमारा पे बैक पीरियड आ जाएगा फोर पॉइंट फोर सिक्स इसके बाद में कह रहे हैं एस्टिमेटेड रिकरिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस फॉर फर्स्ट थ्री पहले तीन साल का हमारा प्रॉफिट कितना होगा तो पीएटी ले लीजिए और ध्यान रखिए हर साल सब्सिडी भी टेन परसेंट मिल रही है तो ऐड कर दीजिए तो वन आपका जो प्रॉफिट था वो था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी पीएटी हमारा टी था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आ गया सिक्स नाइन जीरो सेवन सेवन 69077867, और उसमें सब्सिडी जुड़ जाएगी अठारह लाख पचास हजार की यही हमारा प्रोफित है उस पर टैक्स नहीं जाएगा बस एटीन फिफ्टी तो सेवन जीरो का पहले तीन साल का आपका प्रॉफिट रहेगा चौथे साल से अठारह लाख पचास हजार आपको मिलने बंद हो जाएंगे पहले तीन साल तक की सब्सिडी है तो नाइनटी टू सेवन एट सिक्स सेवन सेवनटीन नाइनटी टू ये वाला आ गया इसका पहला ही आई आर आर निकालना है तो आई आर आर के लिए अभी आपने बारह परसेंट से निकाला होगा क्वेश्चन को क्योंकि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो ट्वेल्व परसेंट से थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पंद्रह परसेंट से डिस्काउंटिंग रेट पंद्रह परसेंट से हमारा मैंने बारह लिखा पंद्रह परसेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पंद्रह परसेंट से थी तो पंद्रह परसेंट हमारा एनपीवी यहाँ पर पॉजिटिव आया है तो फिर अगला रेट बीस परसेंट ले लीजिए तो हमारे पास जैसे पंद्रह परसेंट पर एनपीवी आ गया एनपीवी पॉजिटिव दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है एक पॉजिटिव एनपीवी आ गया पंद्रह परसेंट पर सेम का बीस परसेंट से निकाल लीजिए तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है इन्होंने निकाल दिया यहाँ पर आई आर आर पंद्रह परसेंट से जो हम निकाल चुके हैं एक बीस परसेंट से निकाल लिया ये माइनस में आ गया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया इंटरपोलिटेशन का फॉर्मूला लिखेंगे और हमारे पास आई आर आर निकल कर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन अपने आप में तीस पैंतीस नंबर का क्वेश्चन है फाइनल के लेवल का है सिर्फ आर में सिखाने के लिए दिया है कई बच्चों का क्वेश्चन था कि सर क्या इस तरह के क्वेश्चन आएगा नहीं और बाकी क्वेश्चन बनाने में बहुत सारी गलतियां भी हैं लैंड की सेल वैल्यू नहीं है एसेट्स की सेल वैल्यू नहीं फर्नीचर की नहीं यही इस क्वेश्चन पूरे चैप्टर मतलब पूरे आर का सिर्फ यही एक दमदार क्वेश्चन था बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे आपके ऑलरेडी स्टडी मैट के आर्ट या फिर आपके पहले के देखे हुए क्वेश्चन और बहुत सिंपल है बाकी क्वेश्चन में तब नहीं है जी अब आगे के जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर दिखा दूंगा सीधे टाइम उस पर हम नहीं लगाएंगे आर के अंदर मेन सिर्फ यही क्वेश्चन था इसके अलावा सब सिंपल है रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है ओपनिंग स्टॉक 250 है क्लोजिंग स्टॉक 375 है सेल 13 लाख है जीपी 25 परसेंट है अकाउंट पेबल एवरेज 80,000 है है टर्नओवर रेशो चाहिए तो हमारा सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट 13 लाख माइनस 25 परसेंट थर्टीन लैख माइनस पच्चीस परसेंट नाइन सेवेंटी फाइव का सीओ है इसमें क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ देंगे ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो हमारे पास परचेज आ जाएगी और उसे एवरेज रिसीवेबल से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास टर्नओवर ओवर रेशो आ जाएगा प्लस तीन लाख पिछहत्तर हजार माइनस ढाई लाख रुपए डिवाइड बाई एटी थाउजेंड या थर्टीन पॉइंट सेवन इसके बाद है लीवरेज का क्वेश्चन अब फर्म है सेल ऑफ़ ऑफी है ठीक है थी. आगे क्वेश्चन कह रहे हैं इनके पास फोर्टी फाइव लैख के डेट है 9 से, और फिफ्टी फाइव लैख का इक्विटी है तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड एक करोड़ की होगी इनके पास डिवाइड बाई वन हंड्रेड लैख की कैपिटल एम्प्लॉय इनका ट्वेंटी सेवन परसेंट है क्वेश्चन कह रहे है, इसकी फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है या नहीं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नाइन परसेंट है आर ओ आई सत्ताईस परसेंट है तो क्योंकि आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से हायर है तो आपकी फेवरेबल लीवरेज रहेगी आर इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट इट हैज फेवरेबल लीवरेज इसके आज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे जो हमें करने थे सबसे पहले रेशियो एनालिसिस क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग आर द डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ एल पी एंटरप्राइजेज फॉर दर एंड डेट टू टोटल एसेट लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी अब जरा देखिए इसमें यह पॉइंट कंसिडर करने वाला है कि एक जगह डेट लिखा है एक जगह लॉन्ग टर्म डेट लिखा है तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला डेट है इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब इंक्लूडेड है तो ये ऑल इंक्लूसिव है डेट के तीन मायने बताए गए हैं स्टडीमेट में लॉन्ग टर्म डेट टोटल डेट ये दो आपके हो गए और एक होता है जिसमें करंट लाइफ से तो यहाँ, मतलब, यहाँ पर तो क्वेश्चन कर, कर सकते थे क्योंकि स्पेसिफिकली अलग किया है तो लॉन्ग टर्म डेट अलग होगा और डेट का मतलब टोटल डेट आ जाएगा इसके बाद ग्रोस प्रॉफिट रेशो दे दिया अकाउंट रिसीवेबल कितने दिन के हैं क्विक रेशो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड और सीओ आपको दे दिया इक्विटी शेयर कैपिटल दी गई है रिजर्वेंट सरप्लस नहीं पता लॉन्ग टर्म डेट नहीं पता और यहाँ पर अकाउंट पेबल नहीं पता तो एक तो ये देखो लॉन्ग टर्म डेट हो गया और टोटल डेट अलग है तो दूसरा शॉर्ट टर्म डेट किसको लेंगे इसका मतलब लॉन्ग टर्म डेट और अकाउंट पेबल इन दोनों को मिलाकर डेट बोला गया होगा क्वेश्चन में वरना दोनों जगह पे सिर्फ डेट लिखा होना चाहिए था खैर इसका टोटल पचास लाख दिया है तो सामने वाले का टोटल भी पचास लाख हो जाएगा क्वेश्चन कह रहा है थ्री सिक्सटी डेज लेकर आपको ये बैलेंस शीट पूरी करनी है ठीक है जी तो सबसे पहले हम लोग हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है बीस परसेंट सीओ जी एस ए सिक्सटी फोर लैख सिक्सटी फोर लैख डिवाइडेड बाई एटी परसेंट बीस परसेंट का ग्रोस प्रॉफिट है एटी लैख 80%, 80, like हमारे पास हो गई सेल्स ठीक है जी अकाउंट सेल थर्टी सिक्स के है सेल को मैं थर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई करूँ थर्टी सिक्स से डिवाइड करूँ तो मेरे पास डेटर आ जाएंगे आठ लाख रुपए हो गए सीधे सीधे तो डेटर मेरे पास आ गए आठ लाख रुपए के इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है आपसे इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 60 डेज का है ठीक है जी वो सीओजीएस पे निकलता है 64 लाख का सीओजीएस 60/360 तो ये हो गया 64 लाख डिवाइडेड बाय 6 1066667 का इन्वेंट्री हो गया ये हमारे पास दो हो गए ठीक है इसके बाद में क्वेश्चन ने ऊपर दिया है डेट टू टोटल एसेट रेशियो 40% तो पचास लाख की टोटल एसेट है पॉइंट फोर इसका मतलब डेट है बीस लाख रुपए तो बीस लाख रुपए के डेट हो गए जिसमें डेट के अंदर ये टर्म और दोनों हैं तो ये बीस लाख रुपए बैलेंसिंग फिगर दस लाख रुपए इसके हो गए ठीक है जी अब लॉन्ग टर्म डेट का इक्विटी से रेशियो है थर्टी परसेंट तो इक्विटी है हमारे पास बीस लाख बीस लाख का थर्टी परसेंट हो गया छह लाख रुपए छह लाख रुपए हमारे पास हो गया लॉन्ग टर्म डेट और बचा हुआ हमारे पास कितना बच गया इसमें फोर्टीन लाख हो गया हमारे पास अकाउंट पेबल अब हमारे पास क्विक रेशो दिया गया है ये आ गया हमारे पास क्विक रेशो क्विक क्विक रेशो रेशो के अंदर हमारे पास आ जाएगा क्रेशो में करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी तो करंट लाइटी में अकाउंट पेबल हो गया दिवा फोर्टीन लाख ये हो गया फोर्टीन लाख स्टॉक हो गया टेन पॉइंट सिक्स 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 लेख करंट एसेट इक्वस टू पॉइंट नाइन तो फोर्टीन लैक ,00 सामने जाकर मल्टीप्लाई हो गया पॉइंट नाइन ये आ गया बारह लाख साठ हजार बारह लाख साठ हजार में से दस लाख ये प्लस हो जाएगा बारह लाख साठ हजार प्लस दस लाख छियासठ हज़ार छः सौ सड़सठ करंट एसेट्स हमारे पास आ गई ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सिक्स 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 सेवन और पचास लाख ,00 में से इसको अगर मैं हटा दूँ तो मेरे पास ट्वेंटी सिक्स सेवेंटी थ्री ट्रिपल थ्री की फिक्स हो गई फिगर आ जाएगा <coughs> ये ये हमारे पास जी बैलेंस शीट वाला गया रहा ट्वेंटी टेन तीस लाख का लेना था यहां पर एक मेरे से मिस्टेक हो गई है मैं वो बता देता बताऊँ ऊपर जो मैंने ट्वेंटी लाख का थर्टी परसेंट किया डेट टू इक्विटी रेशियो तो इक्विटी फंड आएगा इसमें रिजर्व्स भी आएंगे तो थर्टी लैख का है, कोई बात नहीं ये हो गया नाइन लैख नाइन लैख हमारे पास ये हो गया तो ये हो गया थर्टी नाइन ये ग्यारह लाख रुपए हो गए इसके यहां पर ये ग्यारह लाख रुपए तो ग्यारह लाख रुपए मल्टीप्लाई हुई पॉइंट नाइन ये नाइन नाइनटी टेन लैख सिक्सटी सिक्स 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 सेवन करंट एसेट्स हो गई हमारे पास ट्वेंटी फिफ्टी सिक्स 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 सेवन और माइनस पचास लाख ये आ गया ट्वेंटी नाइन फोर्टी थ्री ठीक है ट्वेंटी नाइन फोर्टी थ्री आ गया बाकी बैलेंसिंग फिगर आ गया ओके बैलेंसिंग फिगर ठीक इसके बाद में क्वेश्चन हमसे आगे कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बी एस लिमिटेड है फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट बुक वैल्यू एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च इक्विटी शेयर कैपिटल दस लाख शेयर हैं तीन करोड़ प्रीफरें विद डिवेंचर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर सोल्ड एट थ्री हंड्रेड ये पी जीरो हो गया इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर डिविडेंड ऑफ फिफ्टीन रुपीज पर शेयर

और जी प्रिफ्रेंस शेयर में कुछ करना ही नहीं है 11.5 पॉइंट फाइव परसेंट टैक्स का रेट थर्टी फाइव परसेंट है तो दस परसेंट आई वन माइनस टी इसका निकल जाएगा टेन परसेंट ये हो गया सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट ये इनका तीनों का निकल गया बस डब्ल्यू सी निकल जाएगा फिर क्वेश्चन कह रहा है कि नया डब्ल्यू सी निकालो अगर पचास लाख रुपये और आ गए तो यहाँ पर पचास लाख रुपये और एड हो जाएंगे इसमें तो यहाँ पर जी ये तीन करोड़ ये साठ लाख ये एक करोड़ ये, ये पचास लाख और आ गए ठीक है कह रहे हैं इसके अंदर अब क्या होगा कह रहे हैं दस साल के लिए ट्वेल्व परसेंट ट्रेड से डिवेंचर इशू कर रहे हैं जो सेम रिस्क क्लास परसेंट आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ये कम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ऐसे में इशू प्राइस जो निकलता है उसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है जैसे सौ रुपए का डिवेंचर है बाजार में बारह परसेंट में तेरह परसेंट मिल रहा है आप बारह परसेंट दे रहे हो तो मल्टीप्लाई बाई बारह डिवाइड बाई तेरह इसके रेट गिर जाएंगे क्योंकि बजा, आप बाजार से कम दे रहे हैं तो इशू प्राइस कम रहेगा तो न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज्यादा इन टू ट्वेल्व डिवाइड बाई थर्टीन ये अगेन नाइनटी टू पॉइंट थ्री जीरो तो ये हमारे पास इसका रेट निकल जाएगा आगे कह रहे हैं फ्लोटेशन कॉस्ट टू परसेंट है तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस जो भी ज्यादा होता है उस पर लगाते हैं तो दो रुपए सीधे आ जाएगा सौ रुपए पर तो नाइनटी पॉइंट थ्री के आसपास इसका निकल आएगा और नेट प्रोसीड

रहे हैं फेस वैल्यू सौ पे दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेड इक्विटी डिविडेंड टू ट्वेंटी रुपीज ग्रोथ रेट अनचेंज रहेगी और शेयर का प्राइस दो सौ पचास हो जाएगा तो इस केस में डिविडेंड हो गया बीस रुपए शेयर का प्राइस ढाई सौ ग्रोथ पांच परसेंट ही रहेगी तो हमारे पास ट्वेंटी डिवाइड बाई टू फिफ्टी परसेंटेज प्लस पांच के ही हो गया थर्टीन परसेंट तो अब हमारे पास केई थर्टीन परसेंट पर आ जाएगा

और प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कुछ नहीं बोला तो सौ रुपये बोला है तो जो बोलेंगे ले लेते हैं और डिवाइड बाई दस साल हंड्रेड प्लस नाइन्टी पॉइंट थ्री डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड और ये हमारे पास नया के डी निकल कर आ जाएगा नया के डी है नाइन पॉइंट टू वन परसेंट नाइन पॉइंट टू वन परसेंट इसका रेट निकल कर आ जाएगा नाइन पॉइंट टू वन परसेंट ये हमारे पास आ गया यहाँ पर नाइन पॉइंट टू वन परसेंट बस इसका डब्ल्यू एच सी निकाल लीजिए जो इसकी के ई होगी वही इसका के ओ हो बी होगा क्योंकि अनलिवर्ड है आगे कह रहे हैं टोटल मार्केट वैल्यू इसकी दस करोड़ रुपए तो मार्केट वैल्यू दस करोड़ है दस करोड़ ट्वेंटी परसेंट से डिवाइड करके आया होगा तो दो करोड़ रुपए की इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा होगा अगर क्वेश्चन में टैक्स हो तो कंपनी एबीसी इसके जैसी है और डेट का इस्तेमाल करती है यानी वो लीवर्ड है मार्केट वैल्यू करोड़ है डेट की कॉस्ट टेन परसेंट है मतलब इंटरेस्ट रेट टेन परसेंट फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एबीसी इफ टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर टैक्स है तो अब जरा देखिए जो अनलिवर्ड है उसका के और तो सेम है ट्वेंटी परसेंट उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है आपकी 10 है आपकी करोड़ ठीक अब देखिए अगर मैं market value of levered की बात करता हूं, तो market value of unlevered ले लीजिए वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड और डी इंटू टी वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड प्लस डी मल्टीप्लाई बाई टैक्स तो अनलिवर्ड की वैल्यू है दस करोड़ डेट है चार करोड़ का और टैक्स का रेट इन्होंने बोला है हमारे को इसमें क्वेश्चन में पच्चीस परसेंट पच्चीस परसेंट इनका ये आ गया तो ये भैया एक करोड़ ग्यारह करोड़ रुपए तो हो गई इसकी वैल्यू पहला पॉइंट निकल गया वैल्यू आगे क्या पूछ रहा है दूसरा वैल्यू निकल कर आ गई कंपनी की इक्विटी की वैल्यू पूछ रहा है इसमें से डेट की वैल्यू है चार करोड़ तो इक्विटी की वैल्यू हो गई सात करोड़ सात करोड़ रुपए इक्विटी की वैल्यू निकल आई दूसरा पॉइंट पूछ रहा है

जो वैल्यू ऑफ़ फर्म इसकी आई होगी वो ई बी आई टी वन माइनस टैक्स डिवाइडेड के आई होगी तो इसकी वैल्यू है दस करोड़ के बी आई टी वन माइनस टैक्स था पच्चीस परसेंट तो ये बीस परसेंट चला गया दो करोड़ पे हो गया सामने हो गया पॉइंट दो करोड़ पे इक्व टू पॉइंट सेवन फाइव ई बी आई टी ई बी आई टी इसका निकल आएगा कि आखिर ई बी आई टी चल कितना रहा है

बची वैल्यू ऑफ इक्विटी तो ईबीआईटी तो है हमारे पास टू पॉइंट सिक्स बार करोड़ सिक्स लिखेंगे हम कैलकुलेटर पर माइनस इंटरेस्ट है चार करोड़ पर चार करोड़ पर दस परसेंट चालीस लाख का इंटरेस्ट चला गया जी पॉइंट फोर करोड़ का इंटरेस्ट चला गया वन माइनस टैक्स पच्चीस परसेंट और इक्विटी की वैल्यू है सेवन करोड़ यहाँ पर हमने निकाली हुई है तो भैया दो करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार छह सौ सड़सठ माइनस चालीस लाख माइनस पच्चीस परसेंट डिवाइडेड बाई सात करोड़ रुपए ये आ गई जी ट्वेंटी फोर पॉइंट टू नाइन परसेंट के ये हमारे पास निकलकर आ गए सीधा तरीका है निकालने का तो मार्केट वैल्यू आ गई भैया ग्यारह करोड़ इक्विटी की वैल्यू आ गई सात करोड़ एटीन पॉइंट वन एट के ओ आ गया ट्वेंटी फोर पॉइंट टू एट के निकल कर आ गया आसान तरीके से बताया इन्होंने बहुत घुमा के इनके तरीके से मत करना जैसे मैंने आसान तरीके से करवाया उससे करना ओके okay. इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहे हैं द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू टू कंपनी बिलोंगिंग टू द सेम रिस्क क्लास एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी ई दिया है अठारह अट्ठारह लाख डेट बारह परसेंट है चौवन लाख का और इक्विटी का कैपिटलाइजेशन रेट बी का दिया है ये ये तो है है अनलीवर्ड और लीवर्ड ठीक है डिटरमाइन टोटल मार्केट वैल्यू के एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच कंपनी वैल्यूमिंग नो टैक्स एज पर एम एम मॉडल ठीक है जी तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर मैं इसके सामने कर रहा हूँ तो इसको अभी रब कर रहा हूँ सारा आपको फोटो खींचनी हो तो फोटो खींचते रहिएगा और आपका काम इससे हो जाएगा पॉज करके फोटो खींच लेना मैं सामने कर देता हूँ फिर ऊपर नीचे करने में, में मेरे को दिक्कत होती है थोड़ी सी ओके आपको पता है आ, मैंने मुश्किल से कैमरे में एक या दो बार भी नहीं देखा होगा उसका रीजन क्या है देखो बच्चे के पास टाइम तो फालतू होता नहीं है तो रब कर रहा हूँ बात कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट बात करो बच्चे को पॉइंट टू पॉइंट बात से मतलब है बच्चे को हमारा चेहरा देख के हमें उसका चेहरा देख के क्या करना है क्वेश्चन से मतलब है पास होने से मतलब है आ जाओ जी सबसे पहली चीज कह रहा है कि दोनों अगर टैक्स ना हो तो बताओ नो टैक्स तो भैया अगर टैक्स नहीं है तो पहले अनलीवर्ड की वैल्यू

अगर टैक्स ना हो तो के इसका अठारह परसेंट है इसका केई और के सेम होते हैं अनलिवर्ड का तो इसका केई और के सेम रहेगा क्योंकि डेट है ही नहीं लेकिन यहां पर केई अलग आएगा इसका केई, निकालना पड़ेगा। केई निकालने का तरीका है इसमें डेट कितना है फिफ्टी फोर तो इक्विटी कितना हो गया फोर्टी सिक्स ठीक है फोर्टी सिक्स का इक्विटी है अब केई मेरे को निकालना है तो केई निकालने के लिए ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी ईबीआईटी इसमें दिया हुआ है अठारह लाख रुपए इंटरेस्ट है ट्वेल्व परसेंट ऑफ फिफ्टी फोर लैख और इसकी वैल्यू है फोर्टी सिक्स लैख यहाँ पर आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड रहता है सब में फिफ्टी फोर लैख मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व माइनस अठारह लाख ये प्लस माइनस का साइन चेंज करो डिवाइडेड बाई फोर्टी सिक्स जी, 25%, 25 पहला ही आ गया जी पच्चीस परसेंट पच्चीस पॉइंट जीरो पहला देख लेते हैं एक करोड़ की वैल्यू दूसरे की भी एक करोड़ की वैल्यू हो गई अठारह परसेंट के हो गया अनलीवर्ड का ठीक है वैल्यू पच्चीस पॉइंट जीरो फोर परसेंट के ही हो गया और के उसका भी अठारह परसेंट रहा ठीक है अब अगर टैक्स है तो क्या करेंगे दूसरा पॉइंट है भैया अगर टैक्स होगा तो क्या करोगे टैक्स है तो टैक्स के साथ बता देंगे अब फिर से बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू बताओ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बताओ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ हर कंपनी की अगर फोर्टी परसेंट टैक्स एग्जिस्ट करता हो तो अगर फोर्टी परसेंट टैक्स एग्जिस्ट करता है तो ठीक है ये आ गया अनलीवर्ड और ये आ गया लीवर्ड अब देखिए अनलीवर्ड की वैल्यू वैल्यूबीआईटी वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई के ओबीआईटी दिया हुआ है अठारह लाख रुपए

ये हो गया जी फिफ्टी फोर लैख का चालीस परसेंट प्लस सिक्सटी लैख एटी वन लैखी थाउजेंड इसकी वैल्यू हो गई तो जी साठ लाख इसकी वैल्यू एटी वन लैख सिक्सटी इसकी वैल्यू ओके जी इसका जो के ओ है और केई है दोनों सेम रहेंगे अट्ठारह परसेंट ठीक है जी इसका जो अन्ड का के ओ के ई है वो आपका

थर्टीन पॉइंट टू थ्री फाइव परसेंट के आ गया अब के ही निकालना है इसका ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स वैल्यू ऑफ इक्विटी तो ई बी आई टी अट्ठारह लाख इंटरेस्ट देना पड़ेगा फिफ्टी फोर लैख पर बारह परसेंट फिफ्टी फोर लैख का बारह परसेंट इसे करेंगे हम वन माइनस टैक्स डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी से डिवाइड करेंगे तो फर्म की वैल्यू में से फिफ्टी फोर लैख की वैल्यू है बाकी की है, 8160 54 27 000, की वैल्यू वैल्यू है आ गई के हो गए निकालते हैं जी फिफ्टी फोर लैख का ट्वेंट परसेंट माइनस प्लस अट्ठारह लाख माइनस फोर्टी परसेंट डिवाइडेड बाई ट्वेंटी थाउजेंड यह आगे दी पच्चीस पॉइंट जीरो ट्वेंटी जीरो फोर और ये आगे थर्टीन पॉइंट टू थ्री थर्टीन पॉइंट टू थ्री ट्वेंटी जीरो आ गया ये हमारे पास इसका काम खत्म हुआ आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं लीवरेज का क्वेश्चन दिया है फॉलोइंग डेटा ऑफ पीसी लिमिटेड सिचुएशन और दो प्लान है तो हम क्या करेंगे बी इस तरह से हमारे पास छह कॉलम बन जाएंगे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थर्टी सिक्स हंड्रेड है एक्चुअल ट्वेंटी फोर हंड्रेड तो इंस्टॉल से कोई लेना देना नहीं एक्चुअल कैपेसिटी को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे सेल्स आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी और आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन सबका सेम आएगा इसके बाद में जो सिचुएशन वन है जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया आपके पास सबका इसके बाद सिचुएशन में जो फिक्स्ड कॉस्ट तीन हजार रुपए माइनस करोगे आप जैसे तीन हजार तो ए और बी दोनों में और सिचुएशन टू के अंदर आप छह हजार रुपए माइनस करोगे और सिचुएशन थ्री के अंदर आप नौ नौ हजार रुपए माइनस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट के तो इनका जो ई बी आई टी है वो आ जाएगा आपके पास फिर आएगा इंटरेस्ट वाला पॉइंट तो इन्होंने कहा है दो प्लान है हमारे पास एक में डेट पंद्रह हजार है और दूसरे में साढ़े सात हजार तो प्लान ए में पंद्रह हजार पर बारह परसेंट इंटरेस्ट जाएगा अठारह सौ रुपए अठारह सौ रुपए अठारह सौ रुपए और प्लान बी के अंदर सेवेंटी फाइव हंड्रेड पे जाएगा नौ सो नौ सो नौ सो और इन सब का ईबीटी आ जाएगा अब क्वेश्चन इसके बाद कह रहे हैं ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज निकालो तो सारी कैलकुलेशन हो गई है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड वाई ईबीआईटी ऑपरेटिंग और ईबीआईटी डिवाइड वाई ईबीटी फाइनेंशियल आ जाएगी इसके बाद में कह रहे हैं फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज विच गिव द हाइस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू फिर आपको बताना है कि किस में सबसे कम ऑपरेटिंग लीवरेज है और किस में सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग लीवरेज है किस में सबसे कम फाइनेंशियल लीवरेज है और किस में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज है तो ये हमारे पास वन टू थ्री फिर फाइनेंशियल प्लान वन टू इन्होंने इस तरीके से करके दिखाया आप छह कॉलम बना के करिएगा ज्यादा बेटर रहेगा ओके okay. इसके बाद में हम आ जाते हैं डिविडेंड डिसीजन अच्छा ये जो हमारे पास ये छह कॉलम मैंने बताए हैं जैसे सिचुएशन रखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं प्लान ए उसके नीचे तीन सिचुएशन प्लान बी उसके नीचे कॉलम छह ही बनेंगे ठीक है डिविडेंड डिसीजन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम गामा लिमिटेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर नेट प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बोलते हैं थर्टी लैख शेयर्स एक करोड़ के दिए हुए हैं बारह परसेंट तो, तो बारह लाख रुपए इसमें से अभी पी माइनस होगा और अर्निंग फॉर इक्विटी आ जाएगी अर्निंग फॉर इक्विटी ये आ गए जी अठारह लाख रुपए ठीक है इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल साठ लाख रुपए की दस लाख दस रुपए का एक है यानी छह लाख शेयर होगा एक नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो तीन रुपए पर शेयर आपके पास आ जाएगा ईपीएस अर्निंग पर शेयर इसके बाद में कह रहे हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी टू परसेंट है, ये हो गया रिटर्न आर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ये आपके पास है अट्ठारह परसेंट रिटर्नशन रेशो सेवेंटी फाइव परसेंट है हम पिछहत्तर परसेंट रोकते हैं ये हो गया बी तो ग्रोथ निकालने के लिए बी इंटू आर करेंगे तो बी इंटू आर के अंदर हमारे पास ट्वेंटी टू परसेंट आर आ गया और ये तो रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए होगा हमें वन मिनट B इन टू आर डी जीरो और डी वन ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं ग्रोथ रेट ठीक है सही क्या हुआ है ये ग्रोथ रेट ठीक है डी वन वो गलत किया इन्होंने ठीक है अब हमारे पास में इसी इसी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत थी B इन टू आर में रिटेंशन रेश हो गया पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाई बाई पॉइंट टू टू ये आ गई ग्रोथ पॉइंट सेवन फाइव इन पॉइंट टू टू ये आ गया सिक्सटीन पॉइंट फाइव परसेंट ग्रोथ रेट 16.5% हमारे पास ग्रोथ रेट है इस क्वेश्चन में वो निकल जाएगी कोई दिक्कत नहीं अब हमारे पास जब निकालना होगा हमें डिविडेंड तो डिविडेंड में ये पिछहत्तर पच्चीस परसेंट दे रहे हैं तो इसका 25 दे रहे होंगे ठीक है ये आगे पॉइंट सेवन फाइव अब पॉइंट सेवन फाइव जो डिविडेंड है इसके अंदर इशू क्या है स्टडी मॉड्यूल ने डिविडेंड डिसीजन के जितने भी क्वेश्चन करे हैं इसके अंदर ये जो तो डिविडेंड निकलता है उसको डीवन मानते हैं

करके भी निकाल सकते हैं तो मार्केट प्राइस बदल जाएगा पर आते हैं जहां भी ऐसा होता है। तो ये आप डी वन से भी अगर आपने किया है, तो ठीक होगा इसमें हो सकता है कि आपको लगाओ कि सर डी जीरो लेकर क्यों किया है तो अगर आपने डी वन से किया है तो आपको उसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे तो क्वेश्चन ने कहा गोल्डन मॉडल और वोल्टर मॉडल से मार्केट प्राइस बताना है तो गोल्डन से मार्केट प्राइस पी जीरो डी वन डिवाइड बाई के माइनस जी जिसमें आप पॉइंट सेवन फाइव डिवाइड बाई के आपके पास है इसमें अठारह परसेंट जी है इसके अंदर आपका सिक्सटीन पॉइंट फाइव परसेंट डिवाइडेड बाई डेढ़ सेवन फाइव डिवाइडेड बाई वन पॉइंट फाइव परसेंट पचास रुपए की रेट इसका निकलना चाहिए तो अगर आपका पचास है तो आपने ठीक किया इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है कि आप इसको डी जीरो माने और इसमें परसेंट की ग्रोथ को एड करें फिर डिवाइड करें दूसरा इन्होंने कहा है कि भाई आपके पास आंसर आ जाएगा पॉइंट सेवन फाइव प्लस तीन रुपए में से पिछहत्तर पैसे दिए टू पॉइंट टू फाइव बच गए मल्टीप्लाई बाई पॉइंट टू टू डिटन Divide by equals to, तो जी ये हमारे पास आ रहा है मेरे पास तो यहाँ पर आ गया है पचास से इन्होंने अट्ठावन कराई पॉइंट दिया और ये नाइनटीन पॉइंट फोर फोर आ गया है। ओके जी इसके बाद में हमारे पास अगला क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल

तो जो फिक्स खर्चे हैं आप यूनिट कम बनाओ या ज्यादा बनाओ फिक्स खर्चे उतने ही लगेंगे जैसे रो मेटेरियल वेरिएबल है बनाओ बीस हजार बनाओ और सेलिंग एक्सपेंस में फिक्स खर्चा है मल्टीप्लाई साठ हजार तो ये साठ हजार रुपए लेंगे आप एक रुपए पर यूनिट है बाकी वेरिएबल बीस पंद्रह पंद्रह और तीन ये ऐसे ही रहेगा ठीक है जी रहे फर्स्ट ईयर में हमने चालीस हजार यूनिट बनाई और पैंतीस हजार बेची है ठीक है तो अगर इसका इनकम स्टेटमेंट हम देखें चालीस हजार बनाई है, तो रॉ कंज्यूम चालीस हजार इंटू टू आठ लाख रुपए हो गया डायरेक्ट लेबर चालीस हजार इंटू बाद में छह लाख रुपए हो गए फिक्स गए वो पूरे छह लाख ही लेने उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी ये चालीस हजार यूनिट का सीओ जी हो गया आपका आठ प्लस छ प्लस छब्बीस लाख रूपये चालीस हजार यूनिट का डब्ल्यू आई पी की कोई बात नहीं करी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश् पैंतीस हजार यूनिट बेची है ओपनिंग स्टॉक हो गई नहीं और ये आपके पास आ जाएगा ये आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ये आपके पास आ जाएगा सी ओ जी एस तो यहाँ पे छब्बीस लाख रुपए की चालीस हजार यूनिट है जिसमें से पांच हजार यूनिट स्टॉक में है छब्बीस डिवाइड बाई और तो तीन हजार का स्टॉक आपका बच गया और बाईस लाख पिछहत्तर हजार का आपका सीओजीएस आ गया अब इसके बाद में यहां पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल खर्चा है तीन रुपए पर यूनिट पैंतीस हजार यूनिट पे खर्च होगा क्योंकि बेची तो आपने पैंतीस है उन्हीं पे खर्चा होगा एक लाख पांच हजार रुपए आपके पास ये आ गए और फिक्स खर्चा सीधे साठ हजार आ जाएगा ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी बाईस पचहत्तर प्लस एक लाख पांच हजार प्लस साठ हजार ट्वेंटी फोर लैक फोर्टी थाउजेंड आपकी कॉस्ट आ गई सेल्स की बात करें तो पैंतीस हजार यूनिट आप अस्सी रुपए के हिसाब से भेज देंगे अस्सी रुपये का सेल प्राइस है अट्ठाईस लाख में आपने भेज दिया इसको तीन साठ का आपको तब भी प्रॉफिट हो रहा है ये प्रॉफिट आ गया ये इसका इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा अब इसके बाद में स्टॉक को कह रहे इनकम स्टेटमेंट दिखा देता हूं मैं आपको इनकम स्टेटमेंट तीन पच्चीस का क्लोजिंग स्टॉक छब्बीस लाख का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाईस पिछहत्तर चौबीस चालीस टोटल कॉस्ट तीन साठ का प्रॉफिट और अट्ठाईस लाख की सेल अब इसके बाद में क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि रॉ मेटेरियल तीन महीने का लेना है तो ये जो रॉ मेटेरियल है इसका थ्री बाय ट्वेल्व कर दो आपके पास आ जाएगा ये दो लाख रुपए का रॉ मेटेरियल स्टॉक दूसरा कह रहा है कि क्रेडिट अलाउ फॉर डेटर डेढ़ महीने का क्रेडिट है तो जो क्रेडिट डेटर को दिया जाएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल पे डेढ़ महीने का आप इनको क्रेडिट दे दो कई लोग इसको सेल पे भी ले सकते हैं स्टडी मैट में लिखा है क्रेडिट सेल और क्रेडिट सेल की जो कॉस्ट है दोनों पे लिया जा सकता है हम कॉस्ट को प्रीफर करते हैं आपके टीचर ने अगर आपको सेल पे बताया हो आप उस पर ही ले लो नंबर उस पर मिल जाएंगे ज्यादा सही रहता है क्रेडिट अलाउड बाई क्रेडिटर की जब बात आएगी जैसे चार महीने है तो इसके अंदर आप आठ लाख का जो रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड है प्लस जो दो लाख का स्टॉक है इन दोनों को लेकर फिर क्रेडिट निकालेंगे नई कंपनी है क्योंकि चार महीने है तो बाई ट्वेल्व इससे आपके पास क्रेडिटर आ जाएंगे वेजिज एक महीने की है तो जो वेजेज है उसको कर दीजिए लेकिन पेमेंट ऑफ ओवरहेड लिखा है हाफ मंथ ये नहीं बताया कौन सा ओवरहेड तो अगर सिर्फ ओवरहेड है तो सारे ओवरहेड जोड़ेंगे वो ओवरहेड कैसे आएंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल हो या फिक्स हो कोई बात नहीं बारह लाख ही आ गए और एक पैंसठ ही आ गए तो तेरह लाख पैंसठ ओवरहेड्स को फिर आप निकालेंगे कितना पेंडिंग है इसके बाद है बैंक में साठ हजार रुपए प्रोविजन बनाना है वर्किंग कैपिटल का टेन परसेंट इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन तो आपकी जो भी वर्किंग कैपिटल आएगी उसमें प्रोविजन आपको जोड़ना है फिर वर्किंग कैपिटल आएगी इंक्लूडिंग प्रोविजन तो यहां पर जो भी आएगा ये आपका जो प्रोविजन है ये टेन परसेंट इस पर जोड़ना है तो इसका टेन परसेंट अगर प्रोविजन है तो ये वैल्यू नाइनटी परसेंट होगी तो यहां पर जो भी आंसर आएगा उसे नाइनटी परसेंट से डिवाइड करेंगे तो वर्किंग कैपिटल की आपका आंसर निकल कर आ जाएगा तो इनकम स्टेटमेंट आ गया रॉ मटेरियल दो लाख फिनिश गुड्स अपना इनकम स्टेटमेंट से डेट एंड कॉस्ट भी निकाले इन्होंने थ्री बाई डेढ़ महीने के हैं तो वन पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व कर सकते हैं आप इन्होंने थ्री बाई ट्वेंटी फोर कर दिया आंसर सेम आएगा कैश एंड बैंक करंट एसेट आ गई क्रेडिटर में ध्यान रखना है कि आठ लाख प्लस दो लाख का जो स्टॉक है वो जोड़कर फिर निकालना है

पॉलिसी वन पॉलिसी टू तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो भी सेल्स से है वो लिख लेंगे टू ट्वेंटी फाइव टू सेवेंटी फाइव थ्री फिफ्टी लैक्स में सब कुछ टू ट्वेंटी माइनस वेरिएबल कॉस्ट साठ परसेंट थी वेरिएबल कॉस्ट साठ परसेंट टू टू फाइव इंटू सिक्स परसेंट वन थर्टी फाइव कॉस्ट माइनस हो गई बचे नब्बे लाख रुपए टू सेवेंटी फाइव का सिक्सटी परसेंट वन सिक्सटी फाइव माइनस हो गए बचा वन हंड्रेड टेन लैख थ्री फिफ्टी का सिक्सटी परसेंट टू हंड्रेड टेन माइनस करके आ गया वन फोर्टी लैख ठीक है जी ये हो गया प्रॉफिट बिफोर क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बैड डेट साढ़े सात लाख रुपए बाईस लाख रुपए और साढ़े सैतालीस लाख रुपए बैड डेट आ जाओ जी सेवन पॉइंट फाइव टू पॉइंट ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव और फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव इसके अलावा 6 लाख रुपए का खर्चा पॉलिसी टू में बोला है 50000 रुपए पर मंथ सिर्फ पॉलिसी ऑप्शन टू में लगेगा तो 6 लाख का एक मैनेजर यहां पर लगेगा पॉलिसी टू के अंदर यहां पर कुछ नहीं लगेगा लो जी मैनेजर रख लिया इसके बाद में हमारे पास जो पैसा बचा वो बचा 90 में से 7.5 गए 82.5 110 में से 22.5 गए 87.5 140 में से 47.5 चले गए

थर्टी फाइव ,00 की सेल सॉरी कॉस्ट इसका डी टी आर रेशो है फाइव फोर थ्री इसका फाइव इसका, है 4, और, इसका है 3. और रेट इनको चाहिए बीस परसेंट इंटू ट्वेंटी परसेंट इंटू ट्वेंटी परसेंट इंटू ट्वेंटी परसेंट हमारे पास आ गया वन थर्टी फाइव डिवाइड बाई फाइव इंटू ट्वेंटी परसेंट फाइव पॉइंट फोर और जी ये आ गया जी टू वन जीरो हमारे पास और ये आ गया जी टू 3 फाइव माइनस फाइव पॉइंट फोर सेवेंटी सेवन पॉइंट फाइव माइनस एट पॉइंट 5.4 77.10 87.5 पॉइंट टू फाइव और जी आखिरी वाले का आ जाएगा एटी सिक्स पॉइंट फाइव माइनस फोर्टीन सेवेंटी टू पॉइंट फाइव तो सबसे ज्यादा बढ़िया सेवनटी नाइन पॉइंट टू फाइव है पॉलिसी वन जीत जाएगी पॉलिसी वन को आप अडोप्ट करेंगे तो ये हमारे पास पूरी कैलकुलेशन आ गई 77 सेवन नाइन इस पॉलिसी जीत जाएगी इसके बाद में फिर आर के अंदर आपके पास मिसलेनियस ये थ्योरी वगैरह और फिर एस एम सिंपल थ्योरी है ये हमारे पास पूरी एफ एम के आर टी पी थी आई uh, होप आपको एंजॉय किया होगा इसके अलावा हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल नमी अरोरा के नाम से या सी ए अरोरा या नमी अरोरा क्लासेज के नाम से मिल जाएगा आप सभी को तो आपके एग्जाम्स के लिए ऑल दी बेस्ट